चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स, विच आर द फंडामेंटल फोर्सेस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टू, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नाउ वी विल स्टार्ट विद स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ठीक है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टूगेदर द प्रोटोन एंड द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, आपको पता है कि एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन. तो वो बाइंड अट्रैक्टिव फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, और न्यूट्रॉन को, ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर उनको स्टेबली बाइंड करके रखता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, अच्छा, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, अगर आपने कभी सोचा है कि, समझो कि मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि सपोज आई से 92 यूरेनियम 235. ठीक है, अच्छा, यूरेनियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स? 92. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 92. अच्छा, कितने न्यूट्रॉन्स? 235 माइनस 92. ठीक है, दैट मीन्स 143 के आसपास न्यूट्रॉन्स होते हैं. अब आपको पता है कि प्रोटॉन बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन फोर्स देना चाहिए, है ना, एक दूसरे को धक्के मारने चाहिए, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाना चाहिए. पर ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी तो न्यूक्लियस स्टेबल ही रहता है ना. क्यों रहता है? ठीक है, क्योंकि देर इज सम स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एंड दैट बाइंडिंग फोर्स वी कॉल्ड एज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, मैं ये आपको एक एनालॉजी से भी समझाऊंगी कि कैसे वो बाइंड रहते हैं अंदर. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं. दिस फोर्स इज 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये रेशियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में. आप ये रेशियो याद रखिए, स्टैंडर्ड है. ठीक है, अब आप देखिए कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कितना है, 10^38 किसके रिस्पेक्ट में? ग्रेविटेशन के. तो ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में ये फोर्स कितना स्ट्रांगर है? 10^38. इनफैक्ट इट इज़ द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस. हाँ, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स है. क्यों? क्योंकि ये विद इन न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? विद इन न्यूक्लियस. ठीक है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, और शॉर्ट रेंज फोर्स कब कहाँ तक एग्जिस्ट होता है? नियरली 10^-15. ठीक है, ये क्या है? इट इज़ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की साइज अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 10^-15 मीटर. और अगर हम फर्मी में लिखना चाहें तो 0.5 फर्मी होता है, एंड 1 फर्मी इज 10^-15 मीटर. 1 फर्मी कितना होता है? 10^-15 मीटर. ठीक है, अच्छा, इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्सेस, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? इधर उधर होते हैं. ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट के इन दोनों के बीच में, प्रोटॉन के बीच में ही होता है. इट इज़ ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग द प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाइन, नॉट लाइक दैट. ठीक है, इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्सेस. दूसरा, अच्छा, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स एज आई टोल्ड यू विच एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन विच बाइंड्स देम इन अ स्मॉल मैसिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, एक एनालॉजी आप समझे कैसे वो बाइंड रहते हैं, जबकि प्रोटॉन दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो रिपल्शन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो एक एनालॉजी समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बाइंड रहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया कि दो डॉग्स हैं, दिस इज अ बोन पीस, फाइन. सो दिस डॉग एंड दिस डॉग विल ट्राई टू स्नैच दिस बोन पीस, है ना, दोनों खींचने की, एक दूसरे के इसको लेने की कोशिश करेगा, ये भी इसको लेने की कोशिश करेगा, है ना. सो बोथ डॉग विल ट्राई टू स्नैच दिस बोन पीस, फाइन. सो व्हाट विल हैपन, दिस हैज, वी कैन आई से दिस हैज एन एफिनिटी फॉर दिस, यस. दिस आल्सो हैज एन एफिनिटी फॉर दिस, यस. यू नो दैट इन मैथमेटिक्स व्हेन आई से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ए इज इक्वल टू बी बिकॉज इट हैज एफिनिटी, एंड बी इज इक्वल टू सी, एग्जैक्टली. सो वॉट इट इम्प्लाइज, ए इज इक्वल टू सी. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके साथ बाइंड है, ये इसके साथ बाइंड है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ए डॉग ए एंड डॉग वन एंड डॉग बी इज ऑल्सो यू कैन से रिलेट विथ ईच अदर, एग्जैक्टली, फाइन. तो क्या होगा, ये डॉग वन और डॉग टू है क्या?
ये न्यूक्लियस के अंदर समझो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, हो सकता है ये न्यूट्रॉन हो सकता है ये न्यूट्रॉन हो सकता है ये न्यूट्रॉन हो, ये प्रोटॉन हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस आर द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स आर व्हाट, दे आर डॉग वन एंड डॉग टू. देन व्हाट इज दिस बोन पीस? बोन पीस इज नथिंग बट इट इज अ मेसॉन. ठीक है, मेसॉन एक बात समझो, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इनको क्या करते हैं, बाइंड रखते हैं, एक बाइंडिंग है दोनों के बीच में. ठीक है, जो हम एक्चुअली हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना पता चलना चाहिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्मॉल मैसिव पार्ट न्यूक्लियस के अंदर इसलिए बाइंड रहते हैं बिकॉज देर इज एन एक्सचेंज ऑफ, यू कैन से दैट इज अ एक्सचेंज ऑफ और द प्रेजेंस ऑफ मेसॉन्स, जनरली पाए मेसॉन्स आते हैं. ठीक है, सो दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेसॉन. ठीक है, मेसॉन क्या है? ग्लू है जो इन दोनों को बांध के रखती है. किसको? आइदर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अच्छा, एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कहाँ आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस देखे. एक आता है रेडियो एक्टिविटी, जब न्यूक्लियाई डीके होते हैं. ठीक है, दे जनरली इन द हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम, बेरियम, थोरियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे हैं. ठीक है, और क्योंकि इनसफिशियंट फोर्सेस होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, सो दे एमिट द रेडिएशन फ्रॉम देयर ओन. फाइन, सो दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस. एंड सेकेंड थिंग, द कंसेप्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज इज ऑल्सो यूजफुल. ठीक है, टू ऑब्टेन द न्यूक्लियर एनर्जी वाया न्यूक्लियर प्रोसेसेस, लाइक विच प्रोसेसेस? फिशन एंड फ्यूजन. फिशन में क्या होता है? ठीक है, जो हैवी न्यूक्लियाई होता है इट स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई. और फ्यूजन में क्या होता है? जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाते हैं बिगर न्यूक्लियाई में. ठीक है, सो हियर देर इज अ यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. फाइन, नाउ कम टू द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. फाइन, जनरली दिस फोर्स अपियर्स ओनली बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल विच इज इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके. नाउ बीटा डीके क्या होता है? ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि 6C कार्बन, पता है ना सभी को कार्बन 6C12. फाइन, यू नो दिस इज द कार्बन विच विद द 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. देखो, जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं ना, तो जनरली उनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं. जैसे आप दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, 7N14. ठीक है, तो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन होता है. तो ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं. लेकिन जब हम हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं, तो आप देखिए कि हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम 235, उसके अंदर 92 प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन और 143 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं. तो जब न्यूट्रॉन का जो पार्ट है अगर न्यूक्लियस के अंदर इंक्लूड हो जाता है या बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है? न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करता होता है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और साइमल्टेनियसली इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता. न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, ये कब होता है? जब न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ जाते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जा अनस्टेबिलिटी क्या हो जाती है? न्यूक्लियस के अंदर बढ़ जाती है. तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जो ज़्यादा न्यूट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, लेकिन उसके साथ एक एलिमेंट्री पार्टिकल भी आ जाता है जिसको वी बार जैसे देखो लिखा होगा, ये हो एंटी न्यूट्रीनो. ठीक है, तो ये एंटी न्यूट्रीनो क्यों बाहर आता है? क्योंकि उसको इस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, एक वीक एफिनिटी है. ठीक है, अट्रैक्शन है. जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा एंटी न्यूट्रीनो भी बाहर आ जाएगा, और ये इंटरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रीनो के बीच में होता है उसको ही हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. जनरली वो बीटा डीके में होता है. बीटा मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बीटा एमिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन एमिशन. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो उसके साथ एक एलिमेंट्री पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ द वीक एफिनिटी. एंड दिस वीक एफिनिटी और वीक अट्रैक्शन वी कॉल एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल से? 10^25, क्योंकि ग्रेविटेशनल तो वीकेस्ट फोर्स है. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं. देखिए, ये ग्रेविटेशनल है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है. अगर ये 1 है तो ये 10^25 है. इसका मतलब है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स.
हाँ, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी विद इन न्यूक्लियर साइज ही होते हैं, दैट इज 10^-15। आई होप यू अंडरस्टैंड।